नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोरा, आप राजस्थान तक देख रहे हैं। पूर्व सांसद मानविंदर सिंह ने सुबह 8 बजे के आसपास आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर ट्वीट की जो कि बहुत भावुक तस्वीर थी, जिसमें लिखा गया कि माई वैलेंटाइन डे। दरअसल एक तस्वीर के अंदर मानविंदर सिंह अपनी धर्मपत्नी चित्रा सिंह के साथ में है, जो कि ट्वीट किया और उसके बाद लगातार लोग हैं उस तस्वीर पर जबरदस्त तरीके से भावुक हो गए। बहुत से लोगों ने भावुक कमेंट्स भी किए, बहुत से लोग, दरअसल आप देखिए लगातार मानविंदर सिंह है वो 10 दिन से आसपास गुड़गांव के एक निजी अस्पताल के अंदर उनका इलाज चल रहा था और एक कार सड़क हादसे के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और मानविंदर सिंह खुद है घायल हो गए थे और घायल भी इतने हुए थे कि आप सोचिए चित्रा सिंह की जो अंतिम यात्रा थी उसमें भी नहीं पहुंच पाए थे। और उसके बाद आज उन्हें डिस्चार्ज किया गया और सुबह सुबह से ही जबरदस्त तरीके से उस सोशल मीडिया जो पोस्ट किए भावनात्मक पोस्ट है उस पर लगातार लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि किस तरीके से एक अमर प्रेम की जोड़ी थी और तमाम तरीके से, और लोग इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो मानविंदर सिंह। उसके बाद में आज पहली बार जब जोधपुर पहुंचे तो सीधा सबसे पहले अपनी बेटी और अपने भाई के साथ में जो अंत्येष्टि स्थल था वहां पर पहुंचे और चित्रा सिंह को श्रद्धांजलि दी। अब देखिए कर्नल मानविंदर सिंह है वो अंतिम यात्रा में नहीं पहुंच पाए थे, इस बात का उन्हें बहुत अफसोस था। इसीलिए जैसे ही वो थोड़ा स्वस्थ होकर जोधपुर पहुंचे तो सीधा का सीधा उस मिट्टी के पास में पहुंचे जहां पर चित्रा सिंह को जो अंतिम होती है वो की गई थी। तो उसके बाद आप देखिए लगातार तस्वीरों के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं उनकी बेटी है और उनके जो भाई है वो तीनों हैं वो वहां पर पहुंचे। और उसके बाद में कहा जा रहा है कि अब मानविंदर सिंह की तबीयत में काफ़ी सुधार है और अगले 7 दिनों तक मानविंदर सिंह को डॉक्टरों ने सीधे तौर पर यही कहा है कि आप न तो किसी से मुलाकात करेंगे, पूरी तरीके से बेड रेस्ट करनी है, जैसे अस्पताल के अंदर इन दिनों कर रहे थे। मानविंदर सिंह का हाथ का जो है ऑपरेशन है वो 4 दिन पहले हुआ है और उसके बाद आप देखिए लगातार 12 दिन होने के बाद भी चित्रा सिंह के जो कार्यक्रम के दौरान भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब जब पहुंचे तो सबसे पहले वहां पहुंचे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कहा यह जा रहा है कि आप देखिए मानविंदर सिंह है वो उनके स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी सुधार है, क्योंकि ये पहली तस्वीर आई है सड़क हादसे के बाद में जिसके अंदर मानविंदर सिंह है वो चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी फोटो आए थे अस्पताल के अंदर जिसके अंदर मानविंदर सिंह है वो बेड पर सोए नजर आ रहे थे, तमाम तरीके का इलाज चल रहा था। कुल मिलाकर लोग, अब मारवाड़ के लोग ये दुआ कर रहे हैं कि मानविंदर सिंह है वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर एक बार लोगों के बीच में लौटे। दिनेश वाला, बाड़मेर, राजस्थान तक।